तो दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं YouTube का इस्तेमाल तो करते हैं और YouTube चलाते ही हैं, लगभग सभी लोग चलाते हैं, और हम में से काफ़ी लोग का YouTube पर चैनल भी है, तो हम YouTube का, जाहिर सी बात है, YouTube का यूज़ करते ही हैं। तो दोस्तों, आज YouTube की ऐसी 5 हिडन सीक्रेट सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, जिसको देख करके आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भाई हमें ये सेटिंग्स पहले क्यों नहीं पता थी, और इन सेटिंग्स को जानने के बाद YouTube चलाते हो जो आप, उसको चलाने का मज़ा और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा, और भी इंटरेस्टिंग तरीके से आप YouTube चला पाएंगे। तो ये 5 हिडन सीक्रेट सेटिंग्स कौन सी हैं वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को बिना स्किप करे देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक तो कर ही देना फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 सेटिंग्स में से सबसे पहले नंबर की सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आपका मोबाइल है और आपका मोबाइल कितने वक्त तक किसने YouTube यूज़ किया, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपने अपना फ़ोन रख दिया है और आपकी पीठ के पीछे कोई YouTube सर्च कर रहा है, आपका चैनल YouTube देख रहा है, YouTube पर आपके मोबाइल में वीडियोस देख रहा है, तो उसका पता आपको किस तरीके से लगाना है देख लीजिए। आप अपने YouTube पर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो अभी YouTube के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट आई है फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइम वॉच्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए टाइम वॉच्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडेज 0 मिनट, यानी आज मैंने YouTube का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया है। इसके नीचे लास्ट 7 डेज़ का भी आप देख रहे हैं, जितना भी YouTube का इस्तेमाल आप यहाँ पर करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है हिस्ट्री उसकी फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ देख लीजिए, यहाँ नीचे दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर टूल्स टू मैनेज योर यूट्यूब। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी एक निश्चित समय तक ही आपका YouTube आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो देख लीजिए रिमाइंड मी टू द टेक ए ब्रेक ऑफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक टाइमिंग का ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, 1 घंटे आप चला सकते हो या 2 घंटे चला सकते हो, यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, उतनी ही देर आपका YouTube चलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इसके नीचे का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, तो आप सभी जानते होंगे नेक्स्ट वीडियो प्ले ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर आप अपने इंटरनेट का डेटा बचाना चाहते हैं तो इसको आपको यहाँ पर ऑफ रखना है। तो हम यहाँ चलते हैं अगली सेटिंग्स की तरफ। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप YouTube चलाते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो आपने यहाँ पर ओपन किया है और कुछ पार्ट्स ऐसा आप नहीं देखना चाहते। मान लीजिए मेरे ही वीडियो में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, अब देख लीजिए इस वीडियो को मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर ऐड आ रहा है, इस ऐड को हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। तो चलिए मैं ऐड को यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई पार्ट यहाँ पर नहीं देखना है तो आप इस तरीके से डबल टैप करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स ये आगे चला गया है, मैं यहाँ पर फिर से प्ले कर देता हूँ। तो इस तरीके से जब आप डबल टैप करते हैं तो 10 सेकंड देख लीजिए, इस तरीके से 10 सेकंड आगे जाता है, तो इससे आपको काफ़ी सारा समय यहाँ पर वेस्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर इसका टाइमिंग और चेंज करें तो किस तरीके से करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देख लीजिए अपने प्रोफाइल पर चले जाना, अपने प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख लीजिए सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको चले जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद जनरल सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप चले जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा डबल टैप टू द सिक, इस ऑप्शन पर देख लीजिए 10 सेकंड है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे देख लीजिए यहाँ पर कुछ टाइमिंग आपको दिखेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड भी, जैसा भी आप सेटअप करना चाहें। मान लीजिए यहाँ मैंने 30 सेकंड पर सेव कर दिया, अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ बैक मार करके जब वही वीडियो हम यहाँ पर प्ले करेंगे, जब आप यहाँ पर डबल टैप करेंगे फ्रेंड्स देख लीजिए, तो ये 30 सेकंड आगे चला जाएगा, देख लीजिए 30 सेकंड। इस तरीके से आप 60 सेकंड भी आगे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ आप नहीं देखना चाहते उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आगे भगाने में टाइम आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो ये भी एक YouTube की बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अगली सेटिंग्स की तरफ। तो दोस्तों, अगली सेटिंग्स ये है, देख लीजिए आप अपने प्रोफाइल पर चले जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, और इसके बाद में सेटिंग्स के ऑप्शंस पर आपको कर देना है क्लिक। जब अपने सेटिंग्स के ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद में आपको जनरल सेटिंग्स में चले जाना है, और यहाँ पर एक बहुत ही खुफिया ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। देख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड मोड आपको देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, देख लीजिए रिस्ट्रिक्टेड मोड ये मेरा यहाँ पर ऑफ है, तो अगर ये आपके मोबाइल में ऑफ है तो इसको आपको तुरंत यहाँ से इस तरीके से ऑन कर देना। ये ऑन आपको क्यों करना फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिस हेल्प्स हाइड पोटेंटली मेच्योर वीडियोस। तो ये ऐसा बोल रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपका मोबाइल आपके अलावा आपके घर में कोई बच्चा भी चला रहा है,
तो उसके सामने अगर ये ऑप्शंस ऑन होगा तो उसके सामने ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं जाएगा जो उसे नहीं देखना चाहिए, जो कि रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है जिसमें कुछ गलत बताया हुआ है, कोई गलत वीडियो है या कोई पॉर्न वीडियो या कोई ऐसी वीडियोज है जो उसे नहीं देखनी चाहिए। तो उस तरीके की वीडियोज़ आपकी सर्च लिस्ट में भी नहीं आएगी यूट्यूब में, और यूट्यूब आपको रिकमेंड भी नहीं करेगा जब आपके में ऑप्शंस ऑन होगा। तो दोस्तों कितना कमाल का ये ऑप्शंस है, कितना बढ़िया ऑप्शंस है, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। तो दोस्तों यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं, कब आपने क्या देखा, उसकी क्या होता है कि यूट्यूब बना लेता है एक हिस्ट्री। तो जब भी आप इसमें कुछ सर्च करते हैं यूट्यूब पर, देख लीजिए जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन करा, अब यहाँ पर मैं ये सर्च बार पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए सर्च हिस्ट्री यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या क्या सर्च किया। तो कभी कभी क्या होता है, आपका मोबाइल कोई आपका फैमिली मेम्बर्स ले लेता है, बच्चे ले लेते हैं, वहाँ पर कभी आपने कोई ऐसा कंटेंट सर्च किया है जो कि आप चाहते हैं किसी और को पता ना चले, तो YouTube क्या होता है कि उसकी हिस्ट्री बना लेता है। तो अगर आप चाहते हैं उसकी हिस्ट्री ना बने तो आपको किस तरीके से करना है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये अपने प्रोफाइल पर चले जाना है, प्रोफाइल पर जाने के बाद सेटिंग्स के ऑप्शंस में आप यहाँ पर चले जाएंगे और देख लीजिए हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्लियर सर्च हिस्ट्री, इस पर आपको कर देना है क्लिक फ्रेंड्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख लीजिए क्लियर सर्च हिस्ट्री, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी सर्च हिस्ट्री है टोटल यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद में नीचे देख लीजिए पाउस वॉच हिस्ट्री और पाउस सर्च हिस्ट्री, इन दोनों ऑप्शंस को आपको यहाँ पर ऑन कर देना। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी सर्च करेंगे, कुछ भी आप यहाँ सर्च करेंगे, तो क्या होगा कि उसकी हिस्ट्री यूट्यूब नहीं बनाएगा। तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आपने क्या सर्च किया है, कब क्या सर्च किया, क्या देखा, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर नहीं बनेगी और आप जो भी देख रहे हो आपका सेफ रहेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने क्या देखा यहाँ पर और क्या नहीं देखा। और देख लीजिए इसी तरीके से एक ऑप्शन सबसे फर्स्ट नंबर क्लियर वॉच हिस्ट्री का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपनी वॉच हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी सेटिंग्स बताई, इसमें मैंने ये सेटिंग्स भी आपको बताई है कि किस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री को छुपा सकते हैं किसी को पता ना चले। और अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करना चाहते तो एक सेटिंग्स और है इसकी, उससे आपकी हिस्ट्री ही नहीं बनेगी फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आप प्रोफाइल पर चले जाना है, प्रोफाइल पर जाने के बाद ये टर्न ऑन देख लीजिए इनक्लिगिटो ग्लिंटो मोड, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएगा, इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो देख लीजिए योर इंडी ग्लिंडो मोड में ये चला गया है। तो इससे क्या होगा आप जो भी सर्च करेंगे जो भी देखेंगे देख लीजिए यहाँ पर इसका निशान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस तरीके का निशान आ जाएगा। आप यहाँ पर जो भी देखिए उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बनेगी, कोई भी सर्च लिस्ट में वो नहीं आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आप अपने जो भी प्राइवेसी को छुपा सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। और किसी वक्त आप जब इसको बंद करना चाहें तो आपको यहीं पर क्लिक कर देना है और देख लीजिए टर्न ऑफ लिखा है, इसको आपको टर्न ऑफ पर क्लिक कर देना है, देख लीजिए बंद हो जाएगा और जैसा आपका पहले मोबाइल था उसी तरीके का यूट्यूब आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी यूट्यूब की कुछ इंपॉर्टेंट हिडन सीक्रेट ट्रिक्स जो कि आपको नहीं पता होगी। तो ये वीडियो मैंने आपको बताया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।